तो कैमूर में NH2 कर्मनाशा पुल पिछले 48 घंटों से बंद है और इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। छोटी गाड़ियों के लिए बगल में एक पुलिया का रास्ता दिया गया है, जिससे जो छोटी गाड़ियां और सवारी बस है वो उधर से पास कर रही है, लेकिन जो ट्रक है उनका परिचालन पूरी तरह से बंद है। वही NHAI का कहना है कि पुल जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, इसे में भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित कर दिया गया, ताकि पुल की मरम्मति का कार्य शुरू किया जा सके। आपको बता दें, दो तस्वीरें भी हम आपको दिखला रहे हैं। पुल क्षतिग्रस्त की तस्वीर, ये 28 दिसंबर की तस्वीर है, और लोगों की मजबूरी 30 दिसंबर यानी आज की तस्वीर, किस तरह से लोग, जो ट्रक चालक है, वाहन चालक है, वो किस तरह से सड़क पर लोडेड गाड़ी को लगाकर वहां पर रहने को मजबूर है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और बिहार और यूपी का पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे कैमूर से योगी अजय, इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए। अजय, क्या ये माना जाए कि बिहार और यूपी का जो संपर्क है वो टूट गया है, क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था अब तक नहीं की जा रही है? और भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। गाड़ियों जहां तहां हर 4 से 5 किलोमीटर पर बैरिकेटिंग करके भारी वाहनों को रोका गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं अभी, कुछ ट्रक चालक हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं क्या कि इनकी क्या राय है। अच्छा बताइए, आप कहाँ एक ट्रक चालक है क्या? क्या स्थिति है अभी? समझ बहुत गड़बड़ है, बहुत ही गर्मी चल रही है, बहुत ही गर्मी, पैसा भी हम लोग के पास है, परेशान है। स्पष्ट रूप से ट्रक चालकों को खासा परेशानी हो रही है यहाँ पे, ना इनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई है, ना अलाव की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग भी हम इनसे जानेंगे इनका की क्या स्थिति है, इनकी बताइए क्या स्थिति है सड़क की। सड़क की स्थिति बहुत खराब है, मैं मानता हूँ कि पुल टूट गए हैं डायवर्सन बना करके, लेकिन काम साफ क्यों से जो नजारा देखने को मिल रहा है कर्नासा से लेकर, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, कैमूर जिले की बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद तक से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य नितिन गडकरी जो भूतल परिवहन मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार के द्वारा टेंडर जो दिए गए थे, इसके चलते सारी खामियां हुई है और पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम कैमूर के जिला पदाधिकारी से, हम वानिया के मंडल पदाधिकारी से और अच्छा अधिकारी से हम निवेदन करेंगे कि कम से कम अपने एरिया में आप कर्नासा से लेकर के और फरुखाबाद तक जो हमारे ड्राइवर और खलासी फंसे हैं, ये भी भारत के अच्छे नागरिक हैं, इनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाए और सस्ते दर पर भोजन की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि जाड़ में इनको हम मरने से बचा सके। अजी देखिए, पूरी तरह से हमारी बात वहाँ पे अजय NHAI के लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, मरम्मति का कार्य कब से शुरू होने वाला है? जी हाँ, देखिए NHAI के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अभी युद्ध स्तर पे काम जारी है, हालांकि कब तक ये काम खत्म हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक सप्ताह के अंदर रोड को जो है वो जो वैकल्पिक व्यवस्था नदी के पास बनाया जा रहा है वो एक सप्ताह के अंदर रोड को चालू कर दिया जाएगा और भारी वाहनों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी पिछले 48 घंटे से जो ये ट्रक चालक फंसे हैं, इनके कच्चे माल हैं, ये पूरी तरह से इनका कहना है कि हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे ट्रक के जो पैसे हैं वो पैसे भी कट चुके हैं, हमारे लिए कोई उचित व्यवस्था ना तो NHAI के द्वारा किया गया है ना ही टोल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी चलिए अजय, आप नजर बनाए रखे तो स्थिति बद से बदतर हो गई, 48 घंटों के बाद भी लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूपी और बिहार का पूरी तरह से संपर्क टूट गया। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया।